हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा बबल्स वाला डिज़ाइन लेकर आए हैं। छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं ना, उस तरीके से ये डिज़ाइन पैटर्न दिखता है फ्रेंड्स। और ये जो है डिज़ाइन 4 के मल्टीपल बनेगा। प्लस वन फंदा लेंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये डिज़ाइन पैटर्न जो है बैक साइड से स्टार्ट होगा। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए फ्रेंड। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा ये डिज़ाइन पैटर्न बनकर आएगा। तो देखिए, फर्स्ट रो है राइट साइड, इसको आप जो है, ये बेसिक रो है, इसे आपको दोबारा नहीं बनाना होगा। इसे आपको ऐसे सीधा या जो भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप बना करके अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और देखिए, हम हमेशा एक नई डिज़ाइन लेकर आते रहते हैं, यूनिक छांट छांट कर आपको लेकर आते हैं प्यारी सी डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारी बेसिक रो है, इसको हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहे तो उल्टा भी बुन सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ये बेसिक रो इस तरीके से आप बना लीजिए। अब यहाँ से आपकी डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेते हैं, धागा पीछे ले जाएंगे, वन फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे लाएंगे, वन फंदा में हम देखिए 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, देखिए धागा लपेटेंगे, ये 4 बुनेंगे, 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए, 1 ये साइड का एड स्टिच है और 1 फंदा हमने सीधा बुना। अब यहाँ देखिए, 1 फंदे में हमने 7 फंदे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, यहाँ पर अब इसके बाद 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदे में 7 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, इस तरीके से हमें 7 फंदे बना लेने हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदे में 7 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदे में 7 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, थ्री फंदा सीधा, 1 2 3। तो देखिए, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदे में 7 फंदा, 1 धागा लपेटा, 2 बुनाई किया, 3 4 5 6 7, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और 1 साइड का एड स्टिच बुन लेते हैं। ये बैक साइड है, रो 1 है। अब देखिए, सेकेंड रो है, राइट साइड है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फंदा स्लिप करते हैं, ऑप्शनली आप चाहे तो बुन भी सकते हैं। इसके बाद धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, ये 7 फंदे हैं ना, इन्हें हमें एक साथ बैक लूप से इस तरीके से, देखिए यहाँ से बैक लूप से हम इसे 7 का 1 कर देंगे इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पर हमने ये 7 फंदों का 1 कर दिया। अब इसके बाद धागा आगे लाएंगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखिए, ये 7 फंदा जो है हमारा, ये सेवन फंदों का हम 1 करेंगे,
धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर ये 7 फंदा जो है, ये 7 फंदों का हम 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखिए ये 7 फंदों का हम 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर 1, इसके बाद धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखिए ये 7 फंदों का 1 करेंगे। अब देखिए धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, 1 साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए थर्ड रो है बैक साइड, 1st फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे। अब देखिए जो हमने ये 7 फंदे का 1 किया था ना, इसको स्लिप कर लेंगे, बुनाई नहीं करेंगे, धागा पीछे। अब ये 3 फंदा सीधा, धागा आगे, ये जो 7 फंदा का 1 किया था इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे। अब जो 7 फंदों का 1 किया था इसे स्लिप करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, धागा आगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 ये स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन पैटर्न का जो है, देखिए 3rd रो कंप्लीट हो गया है। 4th रो है बैक साइड, सॉरी राइट साइड है। 1st फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे ये, फिर धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 1 स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 1 स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 स्लिप करेंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये डिजाइन पैटर्न का 4th रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 5th रो बैक साइड। अब यहाँ पर हमें देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1st फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब देखिए 1 2 3, अब फंदे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए 1 स्लिप किया है, 3 फंदे बुनाई किया है, ये जो 3 फंदा था ना सीधा बुने थे, इसमें अब ये इस फंदे में, बीच वाले फंदे में हमें 7 फंदे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 बार आपको बुनाई करना है, 1 बार धागा लपेटना है, इस तरीके से करते हुए 7 फंदे बनाएंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर देखिए धागा आगे, 1 फंदे में 7 फंदे, 1 2 3, लपेटेंगे, 4 बुनेंगे, 5 धागा को लपेटा, 6 बुनेंगे, 7 धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2
थ्री धागा आगे वन फंदे में सेवन फंदा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे थ्री फंदा सीधा वन टू थ्री धागा आगे अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर धागा पीछे वन टू थ्री और इस साइड का एड स्टिच है उल्टा बुनेंगे। तो हमारा ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए अब हमारा ये सिक्स रो है, राइट साइड है। तो अब यहाँ देखिए क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा वन टू थ्री धागा पीछे। अब देखिए ये जो है फोर फंदा सेवन फंदा है ना, सेवन फंदों का वन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स डिजाइन पैटर्न आपको सेम ही बनाना है, बस वही फोर रो की डिजाइन है, आपको जो है ये बस सिर्फ फंदे चेंज हो जाएंगे, ठीक ना। ये फंदे चेंज हो जाएंगे थोड़ी सी, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेवन फंदे हैं ना तो इसमें ये धागा इसमें कहीं फंस जाता है, तो थोड़ा सा वैसे आसानी से बन जाता है। देखिए वन फंदा बनाया सेवन फंदों का और थ्री फंदा उल्टा वन टू थ्री धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर सेवन फंदों का वन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सेवन का वन करेंगे और धागा अपनी साइड लाएंगे, थ्री फंदा उल्टा वन टू थ्री धागा पीछे और ये सेवन फंदों का वन करेंगे। यहाँ पर देखिए सेवन फंदों का वन करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा और वन साइड का एड स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा डिजाइन पैटर्न का ये सिक्स रो कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा सेवंथ रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे थ्री फंदा सीधा वन टू थ्री धागा आगे वन स्लिप कर लेंगे, जो सेवन फंदों का वन बना था इसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और थ्री फंदा सीधा वन टू थ्री धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे थ्री फंदा सीधा वन टू थ्री धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे थ्री फंदा सीधा वन धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे ये थ्री फंदा सीधा धागा आगे वन फंदा उल्टा। फ्रेंड्स हमारा ये सेवन थ्रो कंप्लीट हो चुका है और देखिए कितने प्यारे से बबल्स ऐसे बन करके आ रहे हैं। और ये देखिए हमारा रो एट है, राइट साइड फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, थ्री फंदा उल्टा धागा पीछे वन स्लिप करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा धागा पीछे वन स्लिप करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा वन स्लिप करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा धागा पीछे वन स्लिप करेंगे, धागा आगे थ्री फंदा उल्टा और वन साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बबल्स वाला डिज़ाइन कितना प्यारा और खूबसूरत सा बन कर के आया है, बहुत ही सुंदर है। इसे किसी भी कलर में फ्रेंड्स आप बनाइए, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी बनकर आएगी। और देखिए इसे किसी भी कलर में बनाए, डार्क या हल्के कलर में, बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन पैटर्न बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।